अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम गरम चश्मा। तो जनाब हम आज आए हैं आउटिंग के लिए गरम चश्मा, जिसमें अभी हम आज हम लोगों ने कुकिंग का भी प्रोग्राम बनाया हुआ है। जो सामान मैं आपको दिखा देता हूँ, तो जनाब ये है हमारी सामान वगैरह, वो हम लोगों ने उतार दिए। तो अभी आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, जैसे ही आग जलता है तो आगे हम लोग कुकिंग का प्रोसेस जारी रखते हैं, तो उसको शुरू करते हैं हम लोग। तो जनाब अभी आग भी ऐसी खास जल नहीं रही है, गुजारा हो रहा है। अभी देखते हैं इसको किसी न किसी तरीके से इसको जलाते हैं। तो जनाब मेन मसला तो ये, अभी मैं चाय वगैरह तो कुछ बना सकता हूँ, जो हमारा कुकिंग का जो सिस्टम है, तो समझिए ना कुकिंग मुझे थोड़ा सा आता नहीं। तो कुकिंग करने की भी कोशिश करेंगे, चिकन वगैरह बनाने की, कढ़ाई बनाने की कोशिश करेंगे। तो उस तरफ पानी की तरफ हम लोग नहीं जा पाए, उसकी वजह ये काफ़ी रश वगैरह थी, तो मैंने कहा कि लोग हमें भी डिस्टर्ब करेंगे और वो ख़ुद भी इन इलाकों में काफ़ी लोग अपने पिकनिक पॉइंट्स पर मौजूद हैं, जो पिकनिक वगैरह कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कुकिंग करने की, तो समझा कर कुकिंग मुझे आता कुछ भी नहीं है, ज़रा करेंगे देखते क्या बनता है। तो आपका भाई बहुत बड़ा कुक भी है, तो आज अपने जोर आजमाते हैं तरकीब वगैरह, जो चिकन वगैरह हम लोग अपने साथ लाए हैं। तो जनाब अभी करते हैं चिकन को साफ, ये शास्त्र वगैरह संभाल के रखते हैं अपने साथ, ये हमें काम आएगा। कितने शॉपर देखिए अभी संभाल के रखते हैं यहाँ पे, इनको धो लेते हैं। शॉपरे वगैरह हम लोग संभाल लेते हैं, ऑलरेडी पानी हम अपने साथ ही ले आए थे वहाँ से। इसको धोने के लिए जाते हैं वहाँ पर, जनाब इसे धनिया वगैरह काट देते हैं ताकि फिर ये सारी चीज़ें रेडी हों, तो बाद में हम लोगों को कोई जहमत नहीं हो, इसके बाद ही काट देते हैं। फर्स्ट टाइम अभी कुकिंग करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, अल्लाह मालिक इंशाल्लाह कुछ ना कुछ। अभी काटते हैं इसका मिर्च वगैरह सब्ज, एक और भी डाल देते हैं इसके साथ। तो जनाब इधर काफी लोग मौजूद हैं, काफी रश भी है, काफी लोग पिकनिक बना रहे हैं, हम लोगों को भी जगह इतनी मिली कि बस हम लोग अपना ये कुकिंग वगैरह का काम कर ले कि इसमें हम लोग। सबसे मेन मसला था वो आग जलाने का था, वो हम लोगों ने जला लिया, क्योंकि इसे काफ़ी तंग की हम लोगों को, अब मेरे ख्याल से कुछ लकड़ियाँ खुश्क नहीं थी, इस वजह से भी कुछ जहमत का सामना करना पड़ा। जनाब खाना बनने में काफ़ी टाइम लगेगा मेरे हिसाब से 15 से 20 मिनट, तो आपके भाई को लगा है भूख। इससे मैं कुछ गुजारा करूंगा जब तक खाना बन जाता है, तो फिर मिलते हैं हम लोग।
लगा रहे हैं। काफी देर से आए हो? क्या बनाए खाने जनाब आपका रिहायश किस जगह में? कोयटा में जी, हमारा कोयटा का रिहायश। कोयटा की कौन सी जगह? पश्तूनाबाद। पश्तूनाबाद में। अच्छा 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 अच्छा, तो आपका नाम क्या है? हमारा नाम सरफराज। सरफराज भाई, अच्छा जी, हम लोगों को सरफराज भाई मिले, बहुत ही प्यारे मूड के बंदे हैं, तो यहाँ इनसे बातचीत हुई। ये लोग भी इधर नीचे पिकनिक मेरे ख्याल से कुकिंग वगैरह कर रहे हैं, तो इसके दिल चाहा हम लोगों के साथ बैठ गए, तो इससे मिलकर हम लोगों को बहुत खुशी हुआ। तो फिर भाई ने कहा कि मुझे भी वीडियो में ले लो, और तो हम लोगों ने अपने भाई को वीडियो में ले लिया। तो यार आपने सब्सक्राइब करना है चैनल को, ये नहीं, हाँ ये नहीं देख कर भागना नहीं है। नहीं, जरूर। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो उसको, ताकि वो आपकी वीडियो को भी देखे, आपकी वजह से हमें भी देख लेंगे। तो जनाब अभी हम इसमें, इसका रंग अभी थोड़ा सा सुर्ख हो गया, अभी इसमें ऐड करते हैं कढ़ाई मसाला। ये जनाब कढ़ाई मसाला हम लोगों ने डाल दिया, रसा से कुछ ज़्यादा ही डाल दिया। एनीवे अभी देखते हैं इसको क्या हो गया। तो जनाब अभी इसमें हम लोग थोड़ा सा सर्फ मसाला भी ऐड करते हैं, क्योंकि मुझे पीला चीज़ों से थोड़ा सा एलर्जी है, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा पसंद करता हूँ। मैं कहता हूँ कि इसमें हम लोग सर्फ डालिए नहीं, ये भी थोड़ा सा डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं डालते, स्पाइसी ना हो जाए, गड़बड़ नहीं कर दें हम लोग इसको। ये वाह भाई, आपका भाई खूब के भाई, आप लोग नहीं मानते, आपका भाई ऐसे कुकिंग करके आज आपको दिखाएगा इंशाल्लाह, मज़ा ही आ जाए। थोड़ा सा मेरे हिसाब से कम लग रहा है, और भी इसमें चूड़ा ही डाल दें। अभी इसमें ऐड करते हैं जो टमाटर आप लोगों को काटे थे, अपने उनको हम इसके अंदर डाल देते हैं जी। ये भी कर दिए इसमें ऐड। अभी इसको जनाब घुमाते हैं, सलाम चाचा, क्या हाल है? ठीक ठाक के, खैर खैरियत बराबर दी? अच्छा अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र शुक्र शुक्र। कुछ कुछ सर अगर काको बाजार, हाँ जानता है ना, ये देखो उर्दू में बात कर रहा ना। हाँ नहीं जाते, गुजारा होता है बस, सही है। बकरी मकरी है आपके साथ? कितने दाने? माशाल्लाह, सही है, शुक्र है शुक्र। बेटे वगैरह है आपका? बच्चे कितने बच्चे? तीन बच्चे। बेटा है, लड़की है, लड़का? किधर का बच्चा? किधर? क्रेश में खरीदनी। अच्छा, क्रेश वाला क्रेश। कितना तनख्वाह देता है उसको दिहाड़ी? ठेले को, ठेले का कितना है? 60 रुपए। 60 रुपए ठेले का? पचक डालेगी बस, मशीन निकलेगी। 60 रुपए बाबा, बहुत कम में गुजारा होता है। अच्छा, चक्चे लगा। अच्छा
लोडर करेगा। अच्छा लोडर करेगा, लोडर से उसको भर देते हैं। अच्छा अच्छा, थैंक यू। कितने बजे से कितने बजे तक काम करते हैं? सर सुबह कितने बजे? अच्छा अजान के टाइम शुरू होता है, दिन को चार बजे हाँ चार बजे से गुजर गया है। अच्छा अच्छा, ये वाला तो अभी ये जलाने के लिए ले जा रहे हैं आप ये लकड़ी? बकरी गर्म नहीं, बकरी तो इसको तो खुश को तो बकरी नहीं खाएगा। अच्छा इसका पत्ते खाएगा? अच्छा ये पत्ते बकरी खाएगा। ठीक ठीक बकरी देखिए जी, काफी इम्प्रेसिव माहौल है। मालदार हजरात है वो अपनी बकरियों को पानी पिलाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। एक ये अलग है, वो अलग है, एक साथ आकर ये रुक गए इधर। बहुत ही अच्छा माहौल है जो आपको नजर आ रहा होगा। पहाड़ों का तो एक अपना ही मजा है, जो पहाड़ों का शौक रखते हैं, जो हाइकिंग वगैरह करते हैं, इनके लिए माहौल तो ऐसा है कि बिल्कुल किसी सोने से कम नहीं है। और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत ज़बरदस्त एक अच्छे मौसम में आ चुके हैं। इधर काफ़ी अच्छा मौसम भी है, प्यारा माहौल तो आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत ही प्यारा माहौल है। रुक कर एक जगह से खड़े हो चुके हैं, जो उसको चरवाया चरा रहा था वो भी उनके सामने खड़ा हो गया, तो सारे आकर एक जगह में जमा। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिल्कुल कढ़ाई को अभी तकरीबन एक मिनट बस चाहिए, बस बिल्कुल ही तैयार रेडी, जो आप देख सकते हैं। देखिए वाह, आपका भाई कुक है, आप लोग नहीं मानते हो भाई इस बात को, आप लोगों का भाई कुक है। मैं चेक करूँ इसको कैसे। वाह 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 वाह, बिल्कुल अभी तैयार होने की नजदीक ही है, बिल्कुल बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए टमाटर इसके मुकम्मल गल चुके हैं। वाह, थोड़ा सा स्पाइसी है, चल जाएगा कम, हल्का सा स्पाइसी बात, इतना टेस्टी बना है ना अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली अभी हम लोगों का सिस्टम तैयार हो चुका है, देखते हैं कैसी बनी। वाह वाह भाई, मुराद भाई वाह वाह, ओए होए 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 यार, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हम लोगों से, वो मैंने सैलड का जो कीड़ा वगैरह कुछ लिए थे वो इधर ही मैं बातों बातों में बंदे के साथ ही भूल गया। जैसे ही मैं पैसे उसको देने लगा तो टमाटर वगैरह तो मेरे हाथ में, तो दूसरे शापर में सैलड का सामान था वो हम लोगों से ले गया। चलो खैर, उसके बगैर भी गुजारा कर लेते हैं। गोश्त चेक करता हूँ, गोश्त कैसा। वाह अल्हम्दुलिल्लाह, खाना हो गया, कुछ लेट हम लोगों का प्रोसेस चला मगर बहुत ही बेहतरीन खाना हम लोगों का, फर्स्ट क्लास कढ़ाई हम लोगों ने बना लिया। मज़ा भी बहुत आया क्योंकि लेट हो चुका था। दूसरा अभी जो लास्ट हम लोगों का जो काम है वो है, आपका भाई को तो चाय का तो शौक तो है ही है, चाय जब तक बनेगा नहीं तो समझो वो प्रोग्राम नहीं हुआ। या तो मैं अक्सर होटल वगैरह से चाय पीता हूँ उधर, तो फिर चाय का तो आपको पता ही है,
क्योंकि मुराद भाई अपने हाथ का खुद ही चाय बना कर पीता है, उसका मज़ा ही कुछ अलग है। तो अभी इसको ख़त्म करके लग जाते हैं चाय के काम में। मेरे साथ जो मेरे कैमरामैन हैं वो थोड़े से शर्मीले, वो आना नहीं चाह रहे थे कैमरे में, तो मैंने कहा चलो खैर जैसी आपकी मर्ज़ी। तो जनाब हम लोगों का ये मज़ेदार कढ़ाई जो अभी ख़त्म होने की उसके है, तो इंशाल्लाह अभी हम ये पीकर फिर अपना काम शुरू कर देते हैं चाय का। तो जनाब अभी जो मुझे पसंद है वो काम शुरू होने वाला है, जिसको कहते हैं चाय। तो आपका मुराद भाई अभी बनाता है एक प्यारी सी चाय। यार इसको खोलूं कैसे, एक हाथ में कैमरा, ये खोल गया खुल गया खुल गया। ओहो ओहो हो, बच गए बच गए। तो जनाब डाल देते हैं इसमें दूध, ये दूध डाल दिए जी इसके अंदर। अभी इसको इसके ढकना करते हैं बंद, किधर गया भाई इसका ढकना, मैंने कहा इसको इधर रखते हैं, फिर इसको किसी जगह में फेंक देते हैं। ये जनाब हमारी चाय रखने के लिए बिल्कुल तैयार है। अभी हम इसको रख देते हैं, जलाते हैं इस आग को। तो जनाब अभी धुआं फिर पिछली बार की तरह काम कर रहा है ख़राब। तो ओए होए होए, पता नहीं जल क्यों नहीं रहा है। तो जनाब अभी हम इसमें डालते हैं पत्ती, ये पत्ती क्योंकि ज़्यादा डालना पड़ेगा, खालिश दूध से ही बना रहे हैं, पानी वगैरह का कोई सीन नहीं है। इसको डाल देते हैं, ये थैली भी थोड़ा सा पेशापुर सुराख हो गया, दिखाए भाई इसको अंदर से दिखाए, तो अंदर से दिखाए कि मुराद भाई बना क्या रहा है। यार मुराद भाई तो खुद भी चाय का दीवाना है, तो चाय कैसे बनाता होगा। देखिए जी बहुत ही प्यारा, इसको ढकने लगा देते हैं, इसको रखते हैं साइड पे, वही इसको थोड़ा सा उससे रखो ताकि चीटियाँ वगैरह इसके आसपास जमा नहीं हो जाए। हाय 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 हाय, आ गया ना जी इसमें उबाल, आ गया उबाल, उबाल आ गया भाई, आ गया जी आ गया। आए हाय हाय, बननी भी चाहिए चाय, इस तरह की अगर चाय नहीं बनती है तो फिर मुराद भाई का कोई फायदा नहीं है। चाय ज़बरदस्त बनाने चाहिए, जब भी पीता है बंदा चाय ऐसी चाय पिए जो दिमाग को सुकून मिले, अगर आपको सुकून नहीं मिलती है चाय से फिर तो फ़ायदा नहीं है। तो जनाब फाइनली हमारी जो चाय का सिस्टम था वो मुकम्मल तैयार हो चुका है। ठीक है अभी चेक करते हैं चाय बना कैसे, तारीफ़ें तो मैंने बहुत कर दी, अभी चाय को चेक करते हैं कि चाय बनी किस तरह है। बहुत आला ज़बरदस्त चाय बन रही है, इधर से आप चाय पी रहे हो, आपके सामने पानी वाला माहौल हो, वाह 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 भाई वाह, ये तो क्या ही बात। तो जनाब पैकिंग शेकिंग हमारी होगी, तो अभी हम बाइक पे सामान लगाने वाले, अभी इस पर लगा कर
निकल जाते हैं, तो इस ब्लॉग को इधर ही पे एंड करते हैं। ब्लॉग अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो अक्सर आप भूल जाते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जगह के साथ। अभी अब मैं आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह।